साबोली के शासकीय स्कूल में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 200 पार लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। लक्ष्मी नारायण यादव ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन काफी जरूरी है। टीकाकरण कोरोना वायरस को फैलने में रोकेगा। साथ ही साथ उन्होंने 18 साल से अधिक आयु के छात्रों और उनके अभिभावकों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मी नारायण यादव ने टीकाकरण टीम का धन्यवाद दिया। वैक्सीनेशन के टारगेट के बारे में स्वास्थ्य विभाग की टीम इंदिरा जैन दीपक सर दोनों ने बताया कि आज आपकी ग्राम पंचायत साबोली के ग्राम सरगढ़पुर के मजरा फुरतला में वैक्सीनीकरण का आयोजन किया जा रहा है। उसमें गांव के एक्टिव लोगों को घर घर से बुला के लाएं और हमारा 200 के पार का हितग्राहियों को वैक्सीनीकरण का टीकाकरण कराने का लक्ष्य है। अभी तत्काल डाटा प्राप्त हुआ है कि 46 लोगों को वैक्सीनीकरण हो चुका है। शेष जो रह गए हैं 200 के पार करना है और हम लोग सब गांव वाले एक्टिव पर्सन जैसे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव के एक्टिव पर्सन लोग मिलकर के सब वार्डों में जाकर के हितग्राहियों को बुलाकर ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 200 या 300 के पार लक्ष्य हो जाए।